गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं मॉर्निंग राइड पर। आज बहुत जल्दी निकल गए हम और अभी टाइम हो रहा है स्कूल जाकर। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहे हैं 5:15। और अभी हम थोड़ा इधर जाएंगे 54, क्योंकि सुपर कॉरिडोर की तरफ मैं अभी जाऊँगा नहीं, वहाँ पर एक तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरी चीज़ थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए इस टाइम जाऊँगा नहीं मैं अभी उधर, और अंधेरा भी है उधर। तो मैंने सोचा अभी यहीं चलो, यहीं घूमेंगे यहाँ। अरे अरे अरे, छोटे छोटे पत्थर घूमेंगे, फिर उसके बाद आज सिटी राइड करेंगे। ये टाइम है घूमने का, अलग ही मज़ा होता है। अभी क्या है, 5 से 5:30 के बीच में उजाला होने लगता है। ओवर के बाद मेरा ठंड का जो स्टार्टिंग वाला पीरियड रहता है उसमें ऐसा है कि जो धूप है, धूप के बोलो उजाला ही 7 बजे तक होता है, वो उसमें साइकिल चलाना बहुत मज़ा आता है बिल्कुल अंधेरे में। नाइट राइड पहले हम करते थे तो हमको बंद करना पड़ा। अभी सोच रहे हम लोग वापस चालू कर दें नाइट राइड। 10 बजे चालू करते थे हम लोग रात को, और 1-2 बजे तक आते थे आराम से घूम के पूरा इंदौर। तो क्या है, मेरे यहाँ से कोई है नहीं, और जितने भी राइडर हैं सब नौलखा बंगाली उस तरफ के हैं, तो मेरे को यहाँ से अकेले निकलना पड़ेगा। अभी एक राइडर है, मुझे मिला है, तो अभी बात चल रही है कि वापस चालू करें। देखते हो राइडर हाँ बोल रहे थे, वह चालू कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अंकित भाई भी बहुत टाइम से बोल रहे थे नाइट राइड के लिए। यहाँ आ गए हम लोग नक्षत्र के सामने, बस सारे BPO हैं, नाइट शिफ्ट भी लगती है यहाँ पर। नाइट शिफ्ट में क्या मज़ा भी आता है, टाइम भी बहुत जल्दी निकलता है, पर उसमें दिक्कत ये है कि बॉडी की हालत ख़राब हो जाती है, ख़ासतौर से पेट की, पेट बहुत गड़बड़ा जाता है। क्योंकि मैंने किया था एक बार नाइट शिफ्ट, तो क्या हैबिट में नहीं रहती ना चीज़ें, तो फिर बहुत दिक्कत आती है। और नाइट शिफ्ट आज का एक तरफ से देखा जाए तो कल्चर ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो भी कंपनी हैं सब बाहर के हैं, तो इसलिए नाइट शिफ्ट का कल्चर अभी बहुत ज़्यादा है। अभी पहले इतना था नहीं, 4 से 5 साल पहले अगर मैं देखूं, अभी क्या है कंपनीज बहुत सारी आ चुकी है। यहाँ से अब सीधा लेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ। सब BPO वाले ही हैं ये। मैं पहले यहाँ पर करता था राइड, आज से 8 साल पहले, जब मेरे पास ये वाली साइकिल नहीं थी, माई बाइक चलाता था पहले, तो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी निकल जाता था, क्योंकि मैं ज़्यादा पहले दूर जाता नहीं था, बस ये सिटी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, क्योंकि मार्च के महीने से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी उस टाइम 2016 में, और उस टाइम तक रेस था नहीं, इक्का दुक्का मिलते थे साइकिलिस्ट। अभी जितने यहाँ पर भी बहुत सारे कैफ़े और ये सब ओपन हो गए टपरी में, तो पहले एक टाइम यहाँ पर आज से 11 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, इतना डर लगता था यहाँ आने में, बिल्कुल लिटरली पूरा अंधेरा। जहाँ से मैं अभी आया हूँ LCH के पीछे से, वो तो बहुत ही अंधेरा हुआ करता था वहाँ पर। तो 2016 से मैंने स्टार्टिंग की थी साइकिलिंग, पहले यहाँ आता था, उसके बाद थोड़ा सा देवास नाके तक गए, बॉम्बे हॉस्पिटल वहाँ से घूमे, वहाँ पर सत्यसाई, वहाँ से फिर होते हुए मतलब वहाँ की 2 से 3 बार चक्कर मार के, और सुपर कॉरिडोर में जो अपना ब्रिज है उस ब्रिज के ऊपर तक जाता था बस। उससे आगे मैं सोचता था कि मेरी लिमिट ही नहीं है उतनी, मैंने अपना माइंड सेट ऐसा करके रखा था
कि मैं उसके आगे जा ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, मतलब नहीं कर सकते और खुद की लिमिट को पुश करो। तो धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि उसी साइकिल से मैंने पूरा सुपर क्वार्टर कंप्लीट किया। 2018 में एक वो हुआ था साइकिल की मैराथन, तो 100 की कैटेगरी में मैं ही सिर्फ लौटा था जिसकी साइकिल में गियर नहीं थे, बाकी सब गियर वाले थे, और मैंने वो कंप्लीट किया। पर उस टाइम एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने राइड चालू की 8 बजे और 11:30 तक मेरा 61 किलोमीटर हो गया था। उसके बाद जो मेरा बम दुखना चालू हुआ, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। अभी तो क्या है, साइकिलिंग शॉर्ट्स ये सब पहनते हैं, उस टाइम क्या ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता था, कोई बताने वाला ही नहीं था, क्योंकि हम भी सोचते थे कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करते कि नहीं करते हैं। तो मैं नॉर्मल लोअर पहन के चलाता था, और उसमें क्या वो सीट कवर जो जेली वाला आता है वो वाला मैंने लगाया था, उसमें बहुत मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रहा था वो होने के बावजूद भी। तो उसके बाद राइड कंप्लीट करनी थी, तो सुबह 2 बजे मैंने कंप्लीट किया, पर वो सबसे सेकंड लास्ट था, पर कंप्लीट किया मैंने, मैंने गिव अप नहीं किया। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा, नहीं यार कर सकते अपन, खींच सकते। जब ये वाली साइकिल में खींची, फिर उसका 2019 में मैंने ख़रीदी ये वाली RC 100। उसके बाद तो जो नई नई साइकिल का एक जोश रहता है, उसमें मैंने 100 किया BR, उसके बाद BRM किया। उसकी भी आपको स्टार्टिंग से थोड़ा किस्सा बताता हूँ। हुआ क्या था, BR में मुझे पता नहीं था कि एक मेंबरशिप अलग होता है और एक आपको नॉर्मल राइड का एक अलग से पे करना पड़ता है। तो ये 2019 की बात है, अगस्त में थी राइड, तो मुझे कहीं से पता चला कि BRM होने वाली है 200 किलोमीटर की। मैंने सोचा कर लेंगे, चलो नई नई साइकिल, नया नया जोश, रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन तो हाँ, राइड के लिए जो वो फ़ी जो पे करनी पड़ती है वो उस टाइम थी 250, तो वो मैंने पे कर दी। बाद में मुझे पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ ही नहीं, मतलब मेरा नाम ही नहीं आया, मतलब आप मान के चलो पैसे भी गए तो मेरी राइड भी नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर थोड़ी इधर उधर बात की, तो उसमें से वो बंदे का नाम नहीं लूँगा मैं, वो थोड़ा पैसे का थोड़ा ये अकाउंट का थोड़ा मैनेज करता है वो BRM इनका, तो उससे मेरी बात हुई तो वो बोलता है कि पैसा तो हम रिटर्न नहीं देंगे ये वो, और राइड का भी मेरे को उसने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। तब मैं समझ गया मतलब पैसा खाने बैठे और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर मैंने हमारे ग्रुप में एक भैया है गौरव जैन करके, उनसे मैंने बात की, उनने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है, पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है 750 की, फिर उसके बाद राइड का अलग पैसा देना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने फिर उसमें फिर 100 किया BR 2019 में। फिर उसके बाद मैंने 150 BR किया था, उसमें मैंने राइड जो है कंप्लीट कर दी थी 1 घंटे पहले, मतलब मान के चलिए जितने भी राइडर थे उनके आने के 1 घंटे पहले मैं राइड कर कंप्लीट करके बैठ चुका था डीकैथलॉन में। और मतलब आप मान के चलो इतना जोश कि पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट जो सोनकच है, वो क्या सोनकच नहीं बोलूँगा यार, हम पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट, वहाँ से हमको वापस आना था। वहाँ पर मैं जो साइकिल चलानी चालू करी, फिर उसके बाद एक बार देवास में रुका, माता जी के हाथ जोड़े, फिर उसके बाद सीधा मैं इंदौर में ही रुका। मतलब मानोगे नहीं, अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये मैं लपासी कर रहा हूँ तो आप BRM की ऑडेक्स इंडिया की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मेरी राइड मैं 1 घंटे पहले कर चुका था, मतलब मेरा जो राइडिंग टाइम है बहुत कम है उसमें। और फिर उसके बाद मैंने सोचा BRM अब BR हो गई, अब BRM करेंगे, तो उसमें मैंने
200 में मैंने फिर रजिस्ट्रेशन, मतलब उस टाइम मैं देख रहा था कब है, तो मार्च में होने का था ये, मेरे को याद नहीं मार्च में 300 होने वाली थी या 200 होने वाली थी, रात को होने वाली थी वो। तो उस टाइम कोविड आ गया, फिर वो लग गया लॉकडाउन। तो मतलब आप BRM फिर तो भूल ही जाओ, उसमें फिर साइकिलिंग 3 महीने छूटी, मतलब जिस जोश से मैंने 150 BR किया था जितने टाइम लिमिट में, अब मैं बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया था उस टाइम, क्योंकि मैं सीट पे बैठ रहा हूँ तो मेरी हालत ख़राब, और मेरा वेट भी थोड़ा गेन कर लिया था मैंने उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने जब जून में थोड़ा सा अनलॉक हुआ तो उस टाइम मैंने फिर चालू की साइकिलिंग। फिर उस टाइम आप मानोगे नहीं, मैंने कम से कम 12 kg मैंने जो वेट है वो लूज़ कर लिया था उस टाइम। तो इतनी साइकिलिंग की मैंने, इतनी साइकिलिंग की मैंने उस टाइम। अगर आप मेरा स्ट्रावा भी अगर देखेंगे 2020 के उसमें जून से जो मैंने राइड चालू की, फिर धीरे धीरे आते आते दिसंबर में मैंने फिर BRM की 200 किलोमीटर वाली, वो वाली BRM मैंने, वो वाली BRM मतलब पहला ऐसा था कि 200 किलोमीटर में हम मांडव जा रहे थे साइकिल से, मतलब 100 किलोमीटर आना जाना 100 किलोमीटर आना। उस टाइम मैं क्या व्लॉग शूट नहीं करता था, तो वो सिर्फ पिक्चर्स ही है मेरे पास में, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, हाइलाइट्स में मैंने डाल के रखे ये सारे इनके फ़ोटोज़, तो आप देख सकते हैं, आपको ये स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जल्दी जाइए और फॉलो कीजिए, और हाँ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये लाल कलर का जो बटन है इसमें कुछ भी फेंक के मारो पर उसको मारो, और बगल में जो घंटी है वो घंटी को भी मारो, घंटी में ऑल का ऑप्शन है उसको भी मारो फिर, और लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो। हाँ कहाँ थे हम लोग, BRM पे। हाँ तो फिर मैंने BRM फिर पूरा मांडव का किया, वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मुझे क्या भूख सहन नहीं होती है, तो मैंने वो पूरा BRM 2 केले पे किया। और जब लास्ट का टाइमिंग जो था, रात हो गई थी, पूरा पीतमपुर वाला जो रोड था, मुझे एक चीज़ पता चली उस रोड पे कि जो वाइट लाइन होती है ना ये रोड के साइड में, पीतमपुर वाले रोड में ट्रक जो है उस वाइट लाइन के उस तरफ अगर आ जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, आपको साइकिल स्लो करनी पड़ती है। एक तो क्या स्ट्रीट लाइट होते नहीं है हाईवे पे, और वहाँ पे भी यही हालत थी। हम लोग जब तक निकले मानपुर तक आए हम लोग मांडव से, वैसे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, हम ये कि क्लाइंब बहुत है मांडव में, और वो सबसे यादगार मेरा BRM है जो मैंने किया था, क्योंकि मेरा पहला BRM था वो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सेफ्टी से लेकर रोड पे कैसे चलना है। हर रोड पे आप एक जैसा नहीं चल सकते, हर रोड का अलग अलग रूल होता है, रूल मतलब ऐसा कि जैसे मैं आपको बताऊँ सिमरोल वाला जो रोड है वो रोड ऐसा लगता है सिंगल लेन वाला रोड है, और आमने से भी ट्रक आता है सामने से भी ट्रक आता है, तो उसमें क्या है आपको फिर रोड से उतरना पड़ता है, आप है ना बिल्कुल रोड में बिल्कुल ऐसे रह नहीं सकते कि नहीं मैं हटूंगा नहीं, आपको उतरना पड़ेगा। पीतमपुर वाले रोड में क्या है ट्रक आपके बगल से निकल जाता है, और उसमें क्या साइकिल हिलती है फिर जब ट्रक आपको क्रॉस कर जाता है ना, और ये हालत हो रही थी हमारे साथ में वहाँ पर पीतमपुर वाले रोड पे। पर बहुत ही ज़्यादा लंबा था और रात को अंधेरा, मेरे साथ में एक राइडर थे उनके साइकिल में लाइट नहीं थी, तो मैंने उनको बोला सर आप आगे हो जाइए मैं आपको पीछे से लाइट देते हुए आऊँगा। तो मैंने पूरा उनको इंदौर तक उनको मैंने पूरा लाइट दिया अपनी साइकिल का, क्योंकि क्या है बिल्कुल लिटरली पूरा अंधेरा था, अगर मैं लाइट बंद कर लूँ तो बिल्कुल ब्लैंक कुछ भी नहीं है। तो वो भी एक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि नहीं भाई BRM में लाइट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें मैंने एक चीज़ ये किया था कि मेरी जो लाइट है ना इसमें कोई सेल नहीं लगा, ये पावर बैंक से चलता है, तो आप जितना बड़ा पावर बैंक लगाएंगे उतनी आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी इसमें।
अब होता क्या, वो जो चार्जिंग वाले आते हैं नॉर्मल वाले जिसके लाइट के अंदर ही सेल लगे रहते हैं, वो इतने अच्छे नहीं रहते, शुरू शुरू में बहुत अच्छे चलते हैं, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फेंकना पड़ता है, यूज़ एंड थ्रो वाले हैं वो सब। तो मैंने क्या ऐसे वाले लिए कि मुझे थोड़ा अच्छा लंबा चलाना था, तो इसमें क्या लाइट में USB है तो अपन इसमें पावर बैंक में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हो गए 3 साल चलाते चलाते हैं इस लाइट को, और पीछे भी टेल लाइट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक बार पूरा, एक साइकिल का एक मेरे को मेरी साइकिल का आपको पूरा डिटेल में एक बार एक व्लॉग शूट करूँगा कि मैंने साइकिल में क्या क्या लगाया, क्या क्या खर्चा किया है। हाँ चलिए आते हैं वापस BRM पे। तो BRM में उस टाइम ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि भूख मतलब ऐसी कि मुझे उस दिन पता चला कि जब भूख लगता तो भाई कैसा लगता है। उस टाइम ऐसा था कि सारे दुकानें बंद हो चुके थे और खाने का कुछ भी नहीं, और टाइम निकल रहा था तो मुझे टाइम पे भी पहुंचना था। तो वैसे में ही मैंने भूख, ऊपर से पानी भी ख़त्म, क्या करें अब कैसे करके पूरी BRM कंप्लीट की मैंने। पहली BRM थी मेरी, और फिर मैंने सोचा फिर उसके बाद का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि हाँ नहीं अपनी लिमिट को पुश कर सकते हैं, एक बार 200 कर लेते हैं ना तो उसके बाद तो धीरे धीरे करते करते आप कर लेंगे। बस ये है कि आपका अगर आपका विल पावर है तो आप आराम से कर लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर हो जाता है, उनको इग्नोर करो। कि मुझे ही बहुत सारे लोग बोले थे नहीं हो पाएगा ये वो कैसे कर लेगा, और एक तो क्या है मेरा बॉडी वेट भी ज़्यादा है, तो मैंने इसी चीज़ को लिया, मैं नहीं करेंगे तो इसी में करेंगे। उस टाइम मेरा वेट था करीब 88 का वेट, और मैंने 200 किलोमीटर कर दिया। उस वेट का कुछ इतना ज़्यादा रहता नहीं है जहाँ तक मैं मानूँ, हाँ अगर रेसिंग करना तो उसमें वेट का बहुत ज़्यादा मान्य रहता है वेट का, क्योंकि वेट के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, आप जितने लाइट वेट हो फिर ही आप रेस जीत पाओगे। पर ये जो नॉर्मल जो मैं BRM बोल रहा हूँ इसमें अच्छे अच्छे लोग कर लेते हैं। साइकिलिंग में तो मैंने ऐसे लोगों को देखा बिल्कुल जो 6-6 बार SR बन के बैठे हैं और मुझसे एज में बहुत बड़े, कम से कम 20-30 साल बड़े मुझसे, और ऐसे राइडर को देख के ही मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। पर एक तो क्या हमारे टाइम पे इतनी सारी चीज़ें थी नहीं, ये तो अब धीरे धीरे आने लगी इंदौर में, नहीं तो मैं आज से 2012-13 की बात करूँ या 14 की भी बात करूँ तो साइकिल का क्रेज़ था ही नहीं। इक्का दुक्का जो बाहर से आए थे जिनको साइकिल का अच्छा नॉलेज था वो लोग ही करते थे साइकिलिंग, और उस टाइम इतना कुछ था भी नहीं साइकिलिंग के लिए। तो उसके बाद 2021 आया, 21 में मैंने सोचा अबे ना जब 200 कर ली तो अब 300 करेंगे, तो 300 के लिए हम थोड़ा क्या करते हैं, जैसा कि 300 करना हो ना तो हम 100 से थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं, तो बॉडी क्या थोड़ा वार्म अप भी हो जाती है और अच्छा रहता है, एक तरफ से दिक्कत नहीं आता उसमें। अब अगर थोड़ा लंबा चलाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी में हम लोग गए थे जानापाव। अब जानापाव से वहाँ से रिटर्न आते हुए सामने से एक बाइक वाला आया और मुझे ठोक दिया, उसके बाद वो एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद कोविड हुआ, उसके 15 दिन के बाद मतलब साइकिल तो गई साथ में मेरी भी हालत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद कोविड में मतलब लॉकडाउन लग गया था 2021 में, पता ही है सबको क्या हालत थी उस टाइम। वो धीरे धीरे करते करते फिर आया अक्टूबर का महीना, अक्टूबर में आया BRM, फिर मैंने 200 वापस से किया उसमें, क्योंकि इनका एक नया कैलेंडर रहता है, वो कैलेंडर के हिसाब से जब अक्टूबर या नवंबर से कैलेंडर चालू होता है BRM का, एक साल के अंदर आपको 200, 300, फिर 400, फिर सीधा 600 में SR बन जाते हैं यहाँ पर, नहीं तो और बाकी जगह 1200 किलोमीटर का भी होता है BRM। फिर मैंने 200 किया, 200 में हम लोग गए थे डोडी अपना इंदौर भोपाल वाला जो रोड है
वहाँ से सीधा अगर जाएंगे तो डोडी आता है, तो डोडी तक हम लोग गए। वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा कर के देख सकते हैं हाइलाइट्स में, उसमें मैंने सारे पिक्चर्स डाले हुए हैं। तो मैंने वो 200 किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम का ऐसा सहयोग हुआ कि फिर मैंने BRM ही छोड़ दी। उसके बाद मैंने BRM किया नहीं, मेंबरशिप भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा छोड़ो अब BRM, अब कभी आगे करेंगे। क्योंकि क्या होता क्या है, टाइम का भी थोड़ा इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा अब रहने दो BRM। तो मैंने 2 बार 200 की हुई है, मतलब मैंने 2 बार 100 और 1 बार 150 BR, और BRM मैंने 2 बार की हुई है 200 किलोमीटर। एक बार मांडव जा चुका हूँ और एक बार एक बार मांडव और एक बार डोडी, ये जगह जा चुका हूँ मैं साइकिल से। एक तो होता क्या, कुछ तो बोलो ना तो वो लोग विश्वास ही नहीं करते, हो ही नहीं सकता, मतलब तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता, हम तो कर चुके हैं। अरे अरे अरे, और अभी क्या है, हम लोग जैसे डेली राइड करते हैं तो हम लोग क्या, स्ट्रावा एक ऐप है जिसमें आप अपना जो भी आप वर्कआउट करते हैं आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो उसमें हम पूरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं उसमें, जैसे 2020 में कितनी चलाई थी मैंने। मैं 2020 से वैसे तो 19 में मैंने 2-3 बार यूज़ किया था इसको, उस टाइम इतने ज़्यादा राइडर थे नहीं स्ट्रावा पे, तो मैंने भी 1-2 बार यूज़ करके छोड़ दिया था। और बाद में फिर मैंने 2020 से इसको यूज़ करना चालू किया। थोड़ा साइड में हो जाता है, एम्बुलेंस आ रही है। चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ हाँ, ऑर्बिट तक आ गए अपन। ये अभी हम लोग जा रहे हैं राजवाड़ा, मेरे साथ में है अभी कृष्णा। राइड करके मिला करो कभी कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाय बाय।